क्या एबीसी एनालिसिस काम की होती है? हाँ, एबीसी एनालिसिस काम की होती है, पर कहाँ? एबीसी एनालिसिस आपकी नंबर ऑफ रिवीजन डिसाइड करने में काम की होती है। आपको ए कैटेगरी वाले चैप्टर कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करने हैं, बी कैटेगरी वाले कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं, और सी कैटेगरी वाले कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, सी कैटेगरी वालों को तो कह देते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इनको तो पढ़ना ही नहीं है। पर ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सीए के एग्जाम है, आपको सब कुछ पढ़कर जाना है, सब कुछ कवर करके जाना है। लास्ट पर अगर आपके पास सफिशियंट टाइम नहीं बचता तो आप 1-2 टॉपिक्स छोड़कर जा सकते हैं, पर पूरा का पूरा चैप्टर कोई भी नहीं छोड़कर जाना। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको सारा कवर करना है। आईसीआई का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे कहाँ से पूछ ले, कौन सा नया क्वेश्चन आ जाए, कौन सा जो सबसे लो वेट का चैप्टर था उसको सबसे ज्यादा उसमें से पूछ ले, सबसे ज्यादा हार्ड उसमें से पूछ ले। कभी कभी क्या होता है कि सी कैटेगरी के चैप्टर्स हम जो बिल्कुल छोड़कर जाते हैं उसमें से बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, जो अगर आप स्टडी मैट ओपन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही वो क्वेश्चन होगा। तो आपको अपने सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाने हो, आप सी कैटेगरीज वाले को नंबर ऑफ रिवीजन कम कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार हो सके तो पढ़ ले, नहीं तो लास्ट में 1 बार तो आपको कंपल्सरली बिल्कुल बिना कोई कंजूसी किए उनको पढ़ के जाना है, उनको देख कर जाना है। आप छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, एक पूरा का पूरा चैप्टर तो कोई सा भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो किसी चैप्टर का आप ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे एक बार, एक नजर क्वेश्चन स्टडी मैट के क्वेश्चन देख के चले जाएंगे, पर पूरा का पूरा अनटच्ड कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। ये आप हमेशा याद रखना।